जिस व्यक्ति ने पहली बार देश का बजट पेश किया था वो एक अंग्रेज था। 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सालाना बजट पेश करने की अवधारणा को शुरू किया गया। ये व्यक्ति जन्म से तो अंग्रेज था, लेकिन इनकी कब्र पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मुलिक बाजार कब्रिस्तान में आज भी मौजूद है। इनका नाम था जेम्स विल्सन, जिन्हें आज भी भारत में बजट का पितामह कहा जाता है। जेम्स उस समय के वायसराय लॉर्ड कैनिन की परिषद में वित्त सदस्य थे। इसके अलावा वो इंग्लैंड की संसद में सदस्य, यूके कोषागार के वित्त सचिव और व्यापार बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे। 1857 में हुए विद्रोह के दो साल बाद 28 नवंबर 1859 को भारत आए। विद्रोह के चलते अंग्रेज सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। सेना पर ज्यादा पैसे खर्च होने की वजह से तत्कालीन ईस्ट इंडिया सरकार पर उधार बढ़ता जा रहा था। उस वक्त के कठिन दौर में विल्सन ने तब सरकार के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाई थी। विल्सन ने विश्व की प्रसिद्ध अर्थशास्त्र पर आधारित मैगजीन द इकोनॉमिस्ट और विश्व की प्रसिद्ध बैंकों में शुमार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की थी। विल्सन ने सेना के साथ ही साथ सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चों और कमाई के ब्यौरे को पेश किया था। विल्सन ने ही देश भर में पहली बार आयकर कानून को लागू किया था। हालांकि इस कानून को तब लागू करने के बाद जनता की तरफ से काफी रोष का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब विल्सन ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सुरक्षित माहौल व्यापार करने के लिए दे रही है, जिसके एवज में बहुत ही कम फीस आयकर के तौर पर ले रही है। आयकर ना देने का तिकड़म आज भी लोगों को आता है। आजादी के 70 साल बाद आयकर देने वालों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। 2016 में आयकर से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक आज भी सिर्फ 24.4 लाख लोग ही आयकर देते हैं, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं पिछले 5 सालों में लोग हर साल 25 लाख नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिनमें 35,000 लग्जरी गाड़ियां शुमार थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप बनना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के धुरंधर, तो हिस्सा बनिए देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार का। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता, कंटेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्ट की बारीकियां। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें